रखवाली। कानपुर का वीआईपी इलाका यानी कि वीआईपी रोड, जहां के नाम से जाहिर होता है कि इस इलाके में वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक वीआईपी इलाके को चाहिए। लेकिन इस एरिया की एक जगह ऐसी भी है जो शायद हैरान कर देने वाली है, जहां ना बिजली है, ना पानी है और ना ही शौचालय। और ऐसी ही जगह पर जेएमडी न्यूज ने अपने कैमरे को फोकस किया है और देखिए हकीकत को बयां करती हमारी ये खास रिपोर्ट। सामूहिक प्रार्थना को बल देना, एकजुट होकर व्यक्ति जात पात और धर्म की बंदिशों को दरकिनार करना और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वास्तविक कर्म था। वो नई तालीम को जानने और उसे अपनाने के समर्थन में रहे। इसी के बल पर उन्होंने आजादी की लड़ाई में सफलता हासिल की। ऐसे थे हमारे पूज्य बापू। वो साल 1935 में कानपुर शहर आए और यहाँ का भ्रमण करते समय सिविल लाइन्स के वीआईपी रोड पर रहने वालों के बीच जाकर देखा, ज्ञान की काफी कमी पाई और शिक्षा के लिए कोई स्कूल भी नहीं था। तब उस वक्त के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से उन्होंने स्कूल की स्थापना कराने की बात कही, जिसके बाद 1954 में महात्मा गांधी स्कूल की स्थापना हुई और इसका उद्घाटन यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने किया, जिसके बाद स्कूल तो चल निकला और इसे हाई स्कूल की मान्यता भी मिल गई। आखिर ये महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाया, जिसमें 1200 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विद्यालय कुछ समय तक अच्छा चला, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी हालत खराब हो गई। आज स्थिति ऐसी है कि कोई भी अपना बच्चा स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। विद्यालय की जर्जर इमारत साफ तौर पर दर्शा रही है कि कभी गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। न बिजली है न पानी, और तो और विद्यालय में शौचालय की सुविधा भी नहीं है। यहाँ महिला शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यालय की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है। दरअसल विद्यालय सूत्रों की माने तो विद्यालय ट्रस्ट की तरफ से बना था और समिति बनाई गई थी। विद्यालय की इमारत के लिए सरकारी सहायता नहीं मिलती, जिसे देखते हुए खाली पड़ी जमीनों पर दुकानें बनवा कर उसके किराए से विद्यालय की स्थिति सुधारने की बात बन गई, जिस पर समिति दो समूहों में बट गई। एक पक्ष इस फैसले के खिलाफ था तो दूसरा इसके फेवर में था। एक में नुकसान विद्यालय व विद्यार्थियों का हुआ, जो आज तक हो रहा है। अभी तक मामला कोर्ट में लंबित है, हालांकि स्कूल चल रहा है। बताया जा रहा है कि डीएम सीडीओ व डीआईओएस से कई बार इस मामले की शिकायत की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों में काफी भय है, जिसकी वजह से उन्होंने जेएमडी न्यूज से बात करने से मना कर दिया। अहिंसा की तर्ज पर स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शिक्षा के प्रति भी उतने ही सजग रहे। लगातार वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते रहे। लगातार उन्होंने सभाएं की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया। इसी कड़ी में साल 1935 में वो कानपुर आए और यहाँ के सिविल लाइन्स इलाके में आकर उन्होंने देखा कि शिक्षा के लिए कोई खास प्रबंध नहीं है, जिसके बाद साल 1964 में महात्मा गांधी विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई। 1956 में इसका उद्घाटन किया गया, जो उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी विद्यालय में, जहाँ की आज की तस्वीर कुछ और ही है। स्थापना के बाद से लगातार विद्यालय में विकास के कार्य हुए। छात्रों की संख्या हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से 1300 तक रही, पर आज ये हाल है कि मुश्किल से ही आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पीछे कक्षाएं लगी हुई हैं, महज कुछ कुछ बच्चे ही बैठे हुए हैं।
और ये सारा नज़ारा सिर्फ इस वजह से देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मूलभूत सुविधाओं की, जिसको बोलेंगे, कमी है। टीचर्स की तो पर समस्याएं हैं ही, बच्चों को भी सबसे ज़्यादा समस्याएं। आप देख सकते हैं किस तरह बरामदे में बैठकर ये पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षाएं खुली हुई हैं लेकिन कक्षाओं की जर्जर हालत को भी हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह की कक्षाएँ हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि कैसा अंधेरा फैला हुआ है और इस इमारत की हालत भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर कितनी जर्जर हालत है। जहाँ पर ब्लैक बोर्ड तो लगा हुआ है पर ब्लैक बोर्ड के साथ ही इस कक्षा में भी इतना अंधेरा है कि बच्चे इस कक्षा में पढ़ नहीं सकते। और तो और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो जर्जर इमारत है वो टूटी हुई है, बारिश के दौरान पानी भी भर जाता है जिसकी वजह से यहाँ बच्चे भी कम ही पढ़ने आ रहे हैं। लगातार बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे बिना बिजली बिना पानी के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक ऐसा वीआईपी एरिया, कानपुर शहर का वीआईपी एरिया कहा जाने वाला है ये एरिया, जहाँ बिजली पानी की मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनाई जानी थी जो भी टूटी हुई है। आवारा जानवर भी कई बार आ जाते हैं जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है, टीचर्स को भी परेशानी होती है। और तो और इस विद्यालय की सबसे जो अहम चीज़ है, जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा लगातार स्वच्छता और शौचालय बनाने की बात कही जा रही है, वो उस सुविधा की भी यहाँ पर कमी है। एक भी शौचालय यहाँ पर नहीं है। महिला शिक्षिकाएँ यहाँ पर पढ़ाती हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी शिक्षक या कोई भी प्रधानाचार्य कुछ भी कहने से घबरा रहे हैं। उन्हें डर है, किस चीज़ का डर है ये बताने से भी वो कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसके भरोसे ये विद्यालय बना रहेगा और बच्चे किस तरह से अपनी जान पर खेल कर, किस तरह से यहाँ के टीचर्स अपनी जान पर खेल कर बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ हुमा आलम, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। अब सवाल ये उठता है कि बापू की इस धरोहर का कौन रखवाला बनेगा। कानपुर से जेएमडी न्यूज़ के लिए संवाददाता हुमा आलम के साथ बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज़ के साथ और मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।